वी विल टेक मोर एग्जाम्पल्स फॉर द ट्यूरिंग मशीन. लेट्स से कि मेरे पास एक नंबर है और वो 4 है. लेट्स से ए इज इक्वल्स टू 4. एक मेरे पास और नंबर है, लेट्स से वो 3 है, और मुझे ए प्लस बी मतलब कि दो नंबर को ऐड करना है यूजिंग द ट्यूरिंग मशीन. तो जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो नर्सरी के स्टूडेंट्स होते हैं, उन नर्सरी के स्टूडेंट्स को एडिशन कैसे सिखाया जाता है. अगर उनको 4 + 3 करना है तो ऐसा कहा गया कि 4 लाइन्स यहाँ पे है और उसके बाद 3 लाइन्स यहाँ पे है. एडिशन का मतलब क्या है कि आप 4 लाइन के बाद 3 लाइन्स लगा दें और सबकी काउंटिंग कर लें. सो ये 7 लाइन्स हो गई, तो 7 लाइन्स का मतलब कि ये 7 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसी तरह का कुछ प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे. हम 4 को यूनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो जब आप 4 को यूनरी में कन्वर्ट करेंगे सो दिस विल बी 1111. और इसके बाद 3 नंबर है, 3 को लिखने से पहले हम एक सेपरेटर लगा देते हैं अपने टेप में 0 को, और फिर 3 को रिप्रेजेंट करते हैं 1111. इसके बाद ब्लैंक्स हैं और इसके पहले भी बहुत सारे ब्लैंक्स हैं. अगर मुझे एडिशन करना है तो मुझे टेप पे एक सीक्वेंस में 7 वंस को लाना होगा. अभी ऐसा है कि 4 वंस हैं, फिर एक सेपरेटर 0 है, देन 3 है. तो मुझे ऐसा करना होगा कि टेप में 0 को हटाना होगा और एक सीक्वेंस में 7 वंस को हमें लाना होगा. तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हम Q0 स्टेट में हैं और टेप में हमने यहाँ से स्टार्ट किया. तो जब तक मुझे वंस मिलते रहे मैं आगे की तरफ पढ़ता रहा. मैंने 1 मिला 1 को 1 ही छोड़ के मैं राइट की तरफ मूव करता रहा. फिर 1 मिला वही काम किया, फिर 1 मिला वही काम किया, फिर 1 मिला वही काम किया. जैसे जैसे मुझे 0 मिला मैं 0 को 1 में कन्वर्ट करके राइट की तरफ गया. इस 0 को मैं 1 में कन्वर्ट कर लेता हूँ. तो अगर आप स्टेप पे देखेंगे कि 8 वंस हो गए इसके कोरस्पॉन्डिंग, तो आप 8 वन नहीं रहने देंगे, आप कोशिश करेंगे कि ये 7 हो जाए. 7 कैसे होगा कि जो लास्ट में ब्लैंक है उसके ठीक पहले वाला जो 1 है उसको आप ब्लैंक में कन्वर्ट कर दीजिएगा. जब आप इसको ब्लैंक में कन्वर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि टेप पे 7 वंस ही मिलेंगे. तो करंट पोजिशन मेरी टेप की यहाँ पे है. बाकी सारे नोटेशन हटा देता हूँ, केवल 0 वाला कंडीशन रखते हैं कि 0 को मैंने 1 में कन्वर्ट किया है और मैं राइट की तरफ मूव कर गया, मतलब कि मैं इस पोजीशन पे हूँ. आगे आने वाले जितने भी वंस हैं मैं उसको 1 में ही छोड़ूंगा और आगे मूव कर जाऊंगा. और इसके बाद जब मुझे ब्लैंक मिलेगा तो उसको मैं ब्लैंक छोड़ के लेफ्ट की तरफ आऊंगा, मतलब मैं यहाँ पहुंच गया हूँ. इसको मैं ब्लैंक में कन्वर्ट करके लेफ्ट में आऊंगा, मतलब यहाँ पहुंचूंगा. यहाँ पे एक 1 होगा, उस 1 को मैं ब्लैंक में कन्वर्ट कर दूंगा. सो मैंने मेरे पास एक 1 है, मैंने उसको ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया है और उसके बाद फिर मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ. तो इसका मतलब मीनिंग ये है, ये वाला जो 1 है इसको मैंने ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया है. अब मेरे पास स्टेप में 7 वंस है. अब चूंकि एडिशन के लिए जो पॉइंटर होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए एडिशन के बाद जो आंसर है, इसलिए हम इसके कोरिस्पॉन्डिंग पीछे मूव करते रहेंगे जब तक कि हम 1 तक ना पहुंच जाए. तो अभी हम Q3 स्टेट पे हैं, 1 को ब्लैंक में कन्वर्ट करके हम लेफ्ट में मूव कर रहे हैं. जितने भी वंस मिलेंगे उनको हम 1 ही छोड़ के लेफ्ट में मूव करते रहेंगे. और इसके बाद जब मुझे ब्लैंक मिलेगा उस ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के मैं राइट में पहुंच जाऊंगा. जहां पे भी मैं पहुंचूंगा दैट विल बी दी स्टार्टिंग ऑफ द नंबर. मुझे ब्लैंक मिला, इस ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के मैं आगे गया, इस पोजिशन पे आया हूँ और यही मेरा स्टार्टिंग ऑफ नंबर है. और Q4 स्टेट फाइनल स्टेट ये डिनोट करता है कि एडिशन प्रॉपरली परफॉर्म हो गया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. वी विल टेक मोर एग्जाम्पल्स इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स.